छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को चुनाव के दौरान गलत जन्म स्थान भरने के मामले में कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। हालांकि उनके वकील का कहना है कि उनको जिस मामले में गिरफ्तार किया गया है उसको हाईकोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया है। ये मामला बिल्कुल बनता ही नहीं है क्योंकि अमित जोगी जी का जाति सर्टिफिकेट ना तो रद्द हुआ है और हाईकोर्ट ने उनकी जाति के खिलाफ जो समीरा पैकरा ने याचिका लगाई थी वो भी खारिज कर दी थी और अमित जोगी को आदिवासी माना था। पूर्व विधायक अमित जोगी ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर कहा है कि इस मामले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे और जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और जिन लोगों ने इस प्रकार की कार्रवाई करी है उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाएगा। वहीं सूबे में अमित जोगी की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस का कहना है कि मामले से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वैसे इस मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा जरूर गई है। R9 TV के लिए मरवाही से प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट।